नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका गर्वित ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एपी बोर्ड 12th क्लास की मैथ के चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स के बारे में। और दोस्तों, ये इसमें जो है वो आपकी एक्सरसाइज 3.2 चल रही है और ये आपका लेक्चर 15 है। इससे पहले मैं 14 लेक्चर लगा चुका हूँ जिसमें मैंने एक्सरसाइज 3.1 और उसके बेसिक के बारे में बताया है और 3.2 के क्वेश्चन भी मैंने पिछली वीडियो में कराए हैं, तो आप उन वीडियो को जरूर देख लें जिससे ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाए। तो दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमें 18 क्या दे रखा है। इससे पहले 17 क्वेश्चन में पिछली वीडियो में करा चुका हूं, तो आप उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि A बराबर हमें एक 2x2 का मैट्रिक्स दे रखा है, 0 - 10α/2, 10α/2 0 तथा आई कोटि 2 का एक तत्समक आव्यूह है, तो सिद्ध कीजिए कि आई प्लस ए बराबर आई माइनस ए इन टू आपका 2x2 का मैट्रिक्स दे रखा है, कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉज अल्फा। सबसे पहले हम इसकी एलएचएस निकालते हैं। ठीक है, तो क्या है एलएचएस हमारी, आई प्लस ए। ठीक है, तो आई जो होता है वो होता है आपका 2x2 का मतलब कोटि 2 है इसकी, मतलब 2x2 का वर्ग आव्यूह होगा, तो क्या हो जाएगा आपका 1001। ठीक है, इसके बारे में तस्मक आव्यूह के बारे में मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लें। ठीक है, उसके बाद प्लस ए, तो ए की जगह हमें ये दे रखा है, तो हम इसे जोड़ देंगे, कितना है आपका 0 - 10α/2 और 10α/2 और 0। ठीक है, सिंपल हमारा संगत पद में संगत पद जुड़ जाएगा, तो कितना आएगा हमारा देख लेते हैं, 1 में 0 जोड़ूंगा तो 1 रहेगा, 0 में -10α/2 जोड़ूंगा तो -10α/2 ही हमें मिलेगा, क्योंकि 0 के जोड़ने हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, 0 में 10α/2 जोड़ूंगा तो आपका 10α/2 मिलेगा और 1 में 0 जोड़ूंगा तो आपका 1 मिलेगा। तो ये हमें i प्लस ए का मान प्राप्त हो गया। ठीक है, अब हम इसके मतलब RHS लेंगे, हम तो RHS हम निकालेंगे, तो क्या है हमारा पहले i माइनस ए। ठीक है, तो पहले हमें क्या चाहिए, i माइनस ए चाहिए, उसके बाद हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम i माइनस ए निकालते हैं, तो i माइनस ए कितना हो जाएगा, तो i का मान हमने भी लिखा क्या है 1001 माइनस ए, तो माइनस ए किया मैंने, ए का मान हमारे पास ये है 0 - 10α/2 और 10α/2 0। ठीक है, सिंपल जब मैं इसमें से इसे घटाऊंगा, मतलब इसमें से ये घटाऊंगा तो माइनस चिन्ह हो जाएगा, कहने का मतलब क्या आएगा हमारा 1 में से 0 घटाऊंगा तो आपका 1 ही रहेगा, कहने का मतलब 0 घटाऊंगा तो 0 कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 1 का 1 ही रहेगा। इसी तरीके से 0 में से -10α/2 घटाऊंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये बचेगा प्लस के 10α/2। इसी तरीके से 0 में से 10α/2 घटाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस के 10α/2। ऐसे 1 में से 0 घटाऊंगा तो आपका 1। तो ये हमारा पास आ गया आई माइनस ए का मान। ठीक है, अब हमें जो पूरा RHS दे रखा है उसे देख लेते हैं। हमें दे रखा है आई माइनस ए, तो आई माइनस ए का मान ज्यादा निकला 1, सॉरी आई माइनस ए, मैं पहले RHS पूरी लिख देता हूं आपकी, आई माइनस ए इन टू आपका है कॉस अल्फा। ठीक है, जैसे जैसे मैंने दे रखा है पूरा दे रखा है, तो आई माइनस ए और पूरा मैं ये वाला आपका आव्यूह लिख दे रहा हूं यहां पर, तो जाएगा जी कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर साइन अल्फा और यह आपका कॉस अल्फा। तो ये हमें सिद्ध करना है आपकी एलएचएस के बराबर। तो सिंपल हमने आई माइनस ए का मान निकाला है, वो रख देते हैं, आई माइनस ए का मान आपका ये गया, तो यहां पे मैं रख दूंगा आई माइनस वन का मान है 1 - 10α/2 - 10α/2 और 1। ठीक है, मल्टीप्लाई में आपका ये चल रहा क्या है आपका कॉस अल्फा माइनस के साइन अल्फा, फिर आपका साइन अल्फा और आपका फिर कॉस अल्फा। ठीक है, दोस्तों अब सिंपल क्या करना है, हमें इसका मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है और ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है, तो हमें जो मिलेगा वो गुणा के बाद वो भी हमें 2x2 का मैट्रिक्स मिलेगा। तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा देखेंगे हम, तो पहली पंक्ति और दूसरे आव्यूह के कॉलम एक एक करके लेंगे, तो पहली पंक्ति का पहले कॉलम में गुणा करते हैं, 1 का गुणा कॉस अल्फा में किया तो मेरे मिलेगा कॉस अल्फा प्लस 10α/2 का मैं गुणा करूंगा साइन अल्फा में, तो क्या हो जाएगा 10α/2 इंटू साइन अल्फा।
ठीक है, तो मेरा पहला पद निकला है। इसी तरीके से इस पंक्ति का एक एक करके इसमें गुणा करें, तो वन का गुणा माइनस साइन अल्फा हम किया तो माइनस के साइन अल्फा, उसके बाद प्लस टेन अल्फा बाई टू का कॉस अल्फा में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा टेन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, अब पहली पंक्ति कंप्लीट, अब दूसरी पंक्ति लेंगे, दूसरी पंक्ति में पहले पद का कॉस अल्फा के साथ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के आपका हो जाएगा टेन अल्फा वाई टू वाई इंटू कॉस अल्फा वाई कॉस अल्फा। ठीक है, वन का गुणा साइन में करेंगे तो साइन प्लस क्या आएगा आपका साइन अल्फा। ठीक है, अब ये हो गया, अब इसी पंक्ति का इसके साथ गुणा करें तो माइनस माइनस तो माइनस टेन अल्फा वाई टू का माइनस के साइन अल्फा वाई टू में गुणा करूं तो प्लस का हो जाएगा तो क्या आएगा आपका टेन अल्फा वाई टू इंटू साइन अल्फा। अब वन का गुणा कॉज में दिया तो आपका कॉज अल्फा, तो ये तो आपका मल्टीप्लाई हुआ। अब सिंपल हमको इसको सॉल्व करना है और हमें आर एच एस के बराबर लाना है, सिंपल इसे सॉल्व करते हैं हम। तो हम कॉज अल्फा, आपने कॉज मैं यहां पर फॉर्मूला लिख देता हूं, यहां पर आपने कॉज टू थीटा के फॉर्मूले पढ़े हैं आपने, एक तो होता है आपका वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा जिसमें आपका टू का कोण टू थीटा का थीटा मतलब कोण का आधा हो जाता है, दूसरा होता है आपका टू कॉज स्क्वायर थीटा माइनस वन, और एक साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी वो होता है आपका टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर थीटा टू थीटा है तो यहाँ पर थीटा मतलब कोण का क्या हो जाता है आधा हो जाता है, तो इसी तरीके से हम सूत्र बनाएंगे इसका। ठीक है, अब यहां पर मैं जो कॉस अल्फा का मान लगाता हूं, कौन सा वाला मान लगाऊंगा यहाँ पे वन माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो लगाता हूं मैं यहाँ पर, तो जाएगा यहाँ पर मैं पहले इसको सॉल्व कर लेता हूं उसके बाद से मान लगाता हूं, मतलब इसे मैं ऐसे ही रहने देता हूं अभी। ठीक है, इसे मैं चेंज कर सकता हूं टेन अल्फा को हम साइन अल्फा वाई टू अपॉन कॉस अल्फा वाई टू, क्योंकि हमें टेन थीटा बराबर होता है आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो ये मैंने सॉल्व कर दिया, उसके बाद यहां चल रहा है आपका साइन टू थीटा, मैंने बताया साइन थीटा का टू साइन थीटा कॉस थीटा, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा टू साइन अल्फा वाई टू और कॉस अल्फा वाई टू, क्योंकि यहाँ पर कोण जो अल्फा है तो, और यहां पर आप देख सकते हैं टू थीटा का थीटा हुआ मतलब आधा हुआ है, तो यहां पर अल्फा का भी क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन अल्फा का भी आधा हो जाएगा। इसी तरीके से मैं यहां पर करूंगा आपका माइनस साइन अल्फा आपका चली रहा है। ठीक है, अब यहां पर मैं प्लस टेन अल्फा बाई टू को तो ऐसे ही रहने देता हूं, और यहां पर कॉज अल्फा का सूत्र लगा देता हूं मैं, वो होगा आपका टू कॉज स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस वन। ठीक है, तो ये मैंने फॉर्म लगा दिया, कौन सा वाला, ये वाला फॉर्म लगा दिया आपका टू कॉज स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो यहां पर टू थीटा कोण थीटा हो गया और यहां पर आपका कोण कितना अल्फा है तो अल्फा बाई टू हो गया। ठीक है, तो ये हो गया, उसके बाद हम नीचे वाला पोर्शन हल करेंगे, तो नीचे वाले पोर्शन में हल करने के लिए आप इसको तो ऐसे रहने दीजिए माइनस के टेन अल्फा वाई टू, आप यहां पर कॉज अल्फा का मान लगाएंगे, कॉज वाला पद मतलब टू कॉज स्क्वायर अल्फा वाई टू माइनस वन, और प्लस का चल रहा है आपका साइन अल्फा। ठीक है, तो ये वही हमने हल कर लिया, अब इसी तरीके से इसमें करेंगे हम, तो यहां पर भी आप टेन थीटा का मान लगाएंगे आप साइन अल्फा वाई टू अपॉन कॉज अल्फा वाई टू। ठीक है, ये मान लगा दिया। ठीक है, ये आप यहां पर साइन टू थीटा का मान लगाएंगे मतलब टू साइन अल्फा वाई टू और कॉज अल्फा वाई टू, और प्लस में क्या चल रहा है आपका कॉज अल्फा। ठीक है, तो ये आपका पूरा हल आ गया, अब देखेंगे यहां से क्या से क्या करता है, यहां से तो आप कॉज अल्फा से कॉज अल्फा कैंसिल हो गया। ठीक है, यहां से आपका कॉज अल्फा से कॉज अल्फा कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हम इसका आगे का पोर्शन हम लिख लेते हैं पहले, उसके बाद हम देखते हैं, तो एक बार देख लेते हैं आपका क्या क्या बचेगा यहां से, यहां पर बचेगा आपका मतलब कॉज अल्फा बाई टू से कॉज अल्फा बाई टू कट गया तो बचेगा आपका कॉज अल्फा। ठीक है, कॉज अल्फा प्लस जो हो जाएगा टू साइन साइन अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा बाई टू, क्या हो जाएगा टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू, एक तो यहां से बचेगा। दूसरा यहां पर आप देखेंगे हम साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा तो है ही आपका। ठीक है, इसके बाद आप टेन अल्फा बाई टू का गुणा मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो क्या बचेगा टू टेन अल्फा बाई टू और कॉज स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस माइनस में मतलब माइनस वन है आपका, तो टेन अल्फा बाई टू का माइनस वन में गुणा करेंगे तो माइनस का टेन अल्फा बाई टू साथ में आएगा। ठीक है, इसी तरीके से इस पद का आप अंदर गुणा कर देंगे तो बाहर कितना आएगा माइनस टेन अल्फा बाई टू इंटू टू कॉज स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस, अब माइनस
टेन अल्फा बाई टू गुणा करेंगे माइनस वन के साथ, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस के टेन अल्फा बाई टू आएगा और प्लस आएगा साइन अल्फा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे मैंने इस चीज काट दी, तो यहाँ पे बचेगा आपका टू साइन अल्फा बाई टू, साइन अल्फा बाई टू हो जाएगा साइन एस टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू और प्लस कॉस अल्फा, जिसे मैंने जैसे मैंने बताया उसी तरीके से मैंने लिख लिया है। तो आप देख सकते हैं पहले पद में जो बचा हुआ था आपका कॉस अल्फा प्लस टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस साइन अल्फा, मैंने यहाँ पर आपका टेन अल्फा बाई टू को जब अंदर गुणा किया तो बचा आपका टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू इंटू टेन अल्फा बाई टू माइनस टेन अल्फा बाई टू। इसी तरीके से यहाँ पर बचेगा आपका जब मैं अंदर गुणा करूंगा टेन अल्फा बाई टू तो माइनस टेन अल्फा बाई टू टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू प्लस टेन अल्फा बाई टू प्लस साइन अल्फा, यहाँ पर बचेगा आपका टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू प्लस कॉस अल्फा बाई कॉस अल्फा ओनली। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां सिंपल हम सबसे पहले कॉस अल्फा का मान लगाएंगे वन माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू और आपका प्लस का टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू चल रहा है। ठीक है, यहां पर आप क्या करेंगे माइनस के साइन अल्फा, ये है तुम्हारा। ठीक है, इसके बाद यहां पर आप फॉर्मूला लगाएंगे जो आपका टू कॉज स्क्वायर अल्फा बाई टू, यहां पर आप फॉर्मूला लगा दीजिए साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉज अल्फा बाई टू, बस टेन थीटा और क्या साइन बटे कॉस लगा दिया और माइनस के टेन अल्फा बाई टू चल रहा है। ठीक है, सिंपल यहां पर भी क्या करेंगे इसी तरीके से यहां पर फॉर्मूला लगा देंगे, इसे क्या कर देंगे हम आपका टू तो ये गया, उसके बाद इसे तोड़ देंगे साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉज अल्फा बाई टू और इंटू में क्या चल रहा है आपका कॉज स्क्वायर अल्फा बाई टू और ये क्या हो गया आपका प्लस का चल रहा है आपका टेन अल्फा बाई टू और प्लस का साइन अल्फा। ठीक है, यहां पर आप चल रहा है आपका टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू, आप कॉस टू थीटा मतलब फॉर्म लगाएंगे तो आएगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू, मतलब कॉस थीटा का हमने फॉर्म लगा दिया। ठीक है, तो आप देखेंगे हम यहां से कॉस से एक घात खत्म, ठीक है यहां से भी कॉस से एक घात खत्म और यहां से आपका टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस का टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू, इससे आपका ये कैंसिल, तो बचा क्या हाँ पर यहां पर भी आपका ये खत्म हो गया। ठीक है, तो बचता क्या है वो देख लेते हैं, तो यहां तो आपका केवल वन बचा, यहां पर बचा आपका माइनस साइन अल्फा। अब यहां पर देखेंगे आपका टू ये हो जाएगा आपका टू साइन अल्फा बाई टू और कॉज अल्फा बाई टू, आप देखेंगे टू साइन अल्फा बाई टू और कॉज अल्फा बाई टू और माइनस का चल रहा है आपका टेन अल्फा बाई टू। ठीक है, यहां पर भी क्या हो जाएगा माइनस आपका हो जाएगा अभी टू साइन अल्फा बाई टू और आपका कॉज अल्फा बाई टू, प्लस का चल रहा है आपका टेन अल्फा बाई टू और माइनस प्लस का चल रहा है आपका साइन अल्फा। यहां से आपका ये से कट गया तो क्या बचा केवल वन बचा। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे, तो यहां पर तो आपका वन बचा, यहां पर देखेंगे माइनस के साइन अल्फा, तो ये भी आपका साइन अल्फा का फॉर्मूला है, साइन अल्फा बराबर क्या होता है आपका टू साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू साइन ए का फॉर्मूला, मतलब साइन अल्फा का जो फॉर्मूला हो गया आपका और माइनस के चल रहा है आपका टेन अल्फा बाई टू। ठीक है, यहां सिंपल यहां पर भी क्या हो गया आपका सेम टू सेम फॉर्मूला बन जाएगा, आप देख सकते हैं टू साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू, यहां पर भी टू साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू, ये हो जाएगा माइनस के साइन अल्फा और प्लस का चल रहा है आपका टेन अल्फा बाई टू और प्लस का चल रहा है ये वाला साइन अल्फा। ठीक है, यहां पर हो गया आपका वन, तो देखेंगे भी साइन से साइन खत्म, यहां से भी साइन से साइन खत्म, तो बचा क्या अब हमारा वन और माइनस के टेन अल्फा बाई टू और ये बचा आपका प्लस के टेन अल्फा बाई टू और ये बचा आपका वन। ठीक है, जो आपका एलएचएस के बराबर है। ठीक है, एलएचएस आप देख सकते हैं हमने एलएचएस जो निकाली थी वो है आपकी, देखेंगे आप वन प्लस आई प्लस ए कितना होता है वन माइनस टेन अल्फा बाई टू प्लस टेन अल्फा बाई टू वन, तो यही मेरा सेम टू सेम आप देख सकते हैं यही मेरा जो निकल क्या है आपका एलएचएस मैंने जो ली थी वो आपका वन माइनस टेन अल्फा बाई टू और टेन अल्फा बाई टू बराबर वन, तो एलएचएस बराबर क्या होगी हमारी आरएचएस, ये हमने प्रूव कर दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 को, दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 19 है वो है आपका किसी व्यापार संघ के पास रुपए 30,000 का कोष है जिसे दो विभिन्न विभिन्न प्रकार के बॉन्डों में निवेश करना है, प्रथम बॉन्ड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय बॉन्ड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है,
अभ्युबंध के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 के कोष को दो प्रकार के बॉन्डों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे जाए, जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज नंबर एक आपका 1,800 रुपए हो और नंबर दो आपका 2,000 रुपए हो। तो हमें दो क्वेश्चन दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम 30,000 रुपए के लिए हम करते हैं, मतलब 30,000 रुपए दे रखे उसको बांटते हैं। माना पहला भाग जो है, माना पहला भाग आपका 100 रुपए है, तो दूसरा भाग कितना बचेगा? टोटल जो हमारे पास जो रुपए हैं वो 30,000, कितना हो जाएगा भाई? 30,000 माइनस 100 रुपए, ठीक है। तो हम इसे मान लेते हैं एक आभी, मतलब आभी के रूप में दिखा देते हैं। तो मान लेते हैं ये आभी जो है वो आपका x और दूसरा जो है आपका 30,000 माइनस एक्स, तो ये एक आभी हो गया 1/2 का, ठीक है। अब हमें जो ब्याज दे रखी है वो कितनी कितनी ब्याज है? 5% ब्याज है और एक 7% ब्याज है। पहले हम इसे परसेंटेज को हटाते हैं, तो पहली ब्याज कितनी हो जाएगी भाई? पहली ब्याज जो है वो हमारे पास है 5%, ठीक है। सिर्फ प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 5/100 बराबर हो जाएगा 0.05, ठीक है। ये आपकी पहली ब्याज आ गई। अब दूसरी ब्याज जो है वो दे रखी है हमें 7%, तो 7 को हम कर लेंगे, 7% को हम 7/100 कहने वाला 0.07, तो इसको हम बी आरबी ग्रुप में दिखाएंगे किस तरीके से। इसे आप बी आरबी ग्रुप में दिखाएं, 0.05/0 मतलब 0.07, ये आपका 2/1 का मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। तो अब हम जो कुल ब्याज जो निकालेंगे वो कितनी होगी आपकी? कुल ब्याज होगी आपकी ए बी, कहने का मतलब आभी ए और बी का गुणा। तो ए कितना है आपके पास? है हमारे पास एक्स 30,000 माइनस एक्स, ठीक है। और दूसरा जो आभी है वो है हमारे पास 0.05 और आपका 0.07, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं और आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे हम, इसका जो मल्टीप्लाई आएगा पहले मैं एक बार लिख लेता हूं नई पेज पर। तो दोस्तों पहले जो पहली जो ब्याज दे रखी है वो 1,800 रुपए है, तो हमने कुल ब्याज जो निकाल ली वो ए बी होगी, तो ए बी बराबर कितना हुआ? 1,800। ए बी का मान जो वो एक्स और आपका 30,000 माइनस एक्स इंटू आपका जो है एक तो रखा है आपका 1/2 का मैट्रिक्स और एक है 2/1 का मैट्रिक्स, ठीक है। तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया और किसके बराबर रखती है? 1,800 के, ठीक है। तो आप सिंपल आपको मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो क्या आएगा आपका? एक्स इंटू 0.05, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा पद आएगा वो आएगा आपका 0.07 इंटू 30,000 माइनस एक्स इज इक्वल टू आपका 1,800, ठीक है। हाँ दोस्तों क्या निकला? एक्स का मल्टीप्लाई किया 0.5 ने, तो ये हो गया प्लस आपका 30,000 माइनस एक्स 0.07, जो आपका प्लस आएगा क्योंकि एक ही पद होगा पूरा, ठीक है, ये मैट्रिक्स और ये आपका 1,800 चल रहा है, ठीक है। तो ये 1,800 चल रहा है, तो आप सिंपल सेल कर लेंगे तो ये आएगा आपका 0.05x, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 2100, मतलब 0.07 का आप 30,000 में गुणा करेंगे तो आपका 2100 और माइनस आपका 0.07x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1,800, ठीक है। तो अब यहां से हमारा कितना निकलेगा? 0.5 में 0.7 घटाऊंगा तो माइनस का आएगा 0.02x, इसको मैं इधर लेके जाऊंगा तो आएगा 1,800 माइनस 2100, ठीक है। तो यहां से बचा आपका 0.02x और यहां बचेगा माइनस के आपका 300, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल करो तो x बराबर कितना आएगा आपका? 300/0.02, पॉइंट घटाऊंगा तो यहां से आपका 2 मतलब 100 का ऊपर गुणा हो जाएगा, पॉइंट की जगह 1 रखते हैं और 2 जितनी संख्या होती है जीरो लगा देते हैं। अब 300 जी आपका कटेगा आपका 150 बार, ठीक है। तो x बराबर कितना आएगा? 150 × 100, कहने का मतलब x बराबर आ गया आपका 15,000 रुपए, ठीक है। तो अब एक x बराबर 15,000 रुपए आ गया, ठीक है। अब दूसरा जो मतलब पहला भाग तो ये आ गया, ठीक है, और दूसरा भाग जो आएगा वो होगा आपका 30,000 माइनस x मतलब 15,000, तो ये भी आपका 15,000 रुपए ही आएगा, ठीक है, दूसरा पार्ट, ठीक है। अब बात करते हैं इसका सेकंड पार्ट की, तो सेम क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। क्या होगा? जो ब्याज है वो आपकी 2,000 रुपए हो जाएगी, तो यहां से आप सेम टू सेम करेंगे, क्या आएगा आपका? x और 30,000 माइनस एक्स
इंटू 0.05 और 0.07 और बराबर किसके हो जाएगा जी आपके 2000 रुपए के। दोस्तों इसका जो पूरा हल आया वो आया आपका ये वाला, ठीक है। तो ये लिख देता हूं मैं कि कितना हो जाएगा आपका 0.05, क्योंकि संख्या जो वो सेम टू सेम है, ये वाली संख्या इधर का पोर्शन जो है वो आपका सेम टू सेम यही पोर्शन है, ठीक है। तो ये लिख दूंगा 0.05, मतलब ये वाली संख्या में पूरी उतार लूंगा, एक्स प्लस 2100, ठीक है, प्लस 0.07x इज इक्वल टू आपका 2000, ठीक है। तो अब सिंपल यहां पे क्या करेंगे हम, तो ये 0.5 में 0 फिर माइनस है यहां पर, तो माइनस का कितना बचेगा 0.02x, 2100 को मैं इधर लेके जाऊंगा तो कितना हो जाएगा भाई 2000 माइनस 2100, ठीक है। तो 2100 लेके गया तो कितना बचेगा आपका यहां से माइनस के 0.02x, और ये बचेगा आपका माइनस का 100, ठीक है। तो माइनस का 100 बचेगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहां से आ जाएगा आपका x बराबर 100/0.02, तो पॉइंट हटाएंगे तो आपका ऊपर 100 का मल्टीप्लाई, ये कटेगा आपका 500, मतलब 2 से कटेगा 50 बार, तो x बराबर आ गया आपका 5000 रुपए। तो ये तो पहला भाग आया, अब दूसरा भाग निकालेंगे इसका, तो दूसरा भाग कितना होगा भाई 30000 माइनस 5000, तो बचेगा आपका 25000, ठीक है। तो इस तरीके से हमें डिवाइड करना पड़ेगा जिससे हमारी प्याज जो है वो यह मिलेगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, लेकिन आपका क्वेश्चन नंबर जो 18 है हो सकता है उसमें कुछ कठिनाई आए, अगर आपको कठिनाई आती है, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें, तो मुझसे उसे सही तरीके से दूसरी विधि से मैं उसे बता दूंगा आपको। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूं जरूर पसंद आई, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले पार्ट में, जय हिंद जय भारत।